अध्याय चार देख रहे हैं, कार्यपालिका दी एग्जीक्यूटिव। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, इनकी क्या शक्तियां हैं और किस पोजीशन पे है ये आप देख रहे हैं हमारे राष्ट्रपति जी। सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद साहब थे, अब रामनाथ कोविंद जी हैं, उनके पहले प्रणब मुखर्जी साहब थे। तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद यानी कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है और वही मेन कार्यकारी वास्तविक कार्यकारी लोग होते हैं, यही सारा काम करते हैं, इन्हीं की सरकार होती है। और जितने भी मामले हैं उसमें अधिकतर मामलों में जो प्रेसिडेंट है इनको इनकी प्राइम मिनिस्टर और जो मिनिस्टर्स हैं उनकी बात माननी पड़ती है, सुननी पड़ती है। लेकिन राष्ट्रपति के कुछ विशेष अधिकार भी हैं ऐसे जो राष्ट्रपति क्यों राष्ट्रपति बनाया गया, राष्ट्रपति की पोजीशन क्यों है। तो संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्री परिषद की कार्रवाई के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। यानी जो भी चीज़ चल रही है, चाहे कोई भी डिसीजन लिया जा रहा हो या क्या काम चल रहा है, जितनी भी चीज़ें हैं महत्वपूर्ण मुद्दे खासतौर पर, उनकी जानकारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को होनी चाहिए। और यह प्रधानमंत्री का काम है कि वो इन्हें जो सूचनाएं हैं वो मुहैया कराते रहे, पहुंचाते रहे, क्योंकि ये हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट है, उनको जानकारी मिलनी चाहिए। कम से कम तीन ऐसे अवसर हैं इस पर राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार, रामनाथ कोविंद साहब अभी हैं, इनके तीन ऐसे मैं सिचुएशन बताऊंगा जहां पर राष्ट्रपति साहब अपने विशेष अधिकार यानी कि जो स्पेशल पावर्स हैं उनका प्रयोग करते हैं। अब होता यह है कि मान लीजिए कि जो संसद है हमारी उसने कोई डिसीजन ले लिया। अब राष्ट्रपति साहब को लगता है कि जो डिसीजन लिया गया है या जो कानून बनाया गया है उसमें कुछ कमियां हैं या ये देश के फैसले में सही नहीं उतर रही है, क्योंकि वो सबसे बड़े अधिकारी हैं। अब वो ये कह सकते हैं, अब जैसे मान लीजिए डिसीजन है, इसको ये वापस संसद के पास भेज सकते हैं कि इस पे दोबारा पुनर्विचार कीजिए, इस पे दोबारा डिसीजन लीजिए इन चेंजेस के साथ, या सजेशन दे सकते हैं। लेकिन होता ये है कि अगर संसद इनके पास दोबारा ये कागज भेज देती है कि भाई आप साइन करिए, हमने कानून जो बना दिया, हमने जो रूल रेगुलेशन तैयार कर दिए उस पर आप साइन करिए, तो राष्ट्रपति साहब को उसको मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। राष्ट्रपति जी उसको साइन करेंगे ही करेंगे, मतलब वो बाध्य हो जाएंगे। लेकिन एक बात सुनिए आप कि एक राष्ट्रपति जब किसी कानून को राष्ट्रपति जानता है कि उनको इन्हीं लोगों ने बनाया है, राष्ट्रपति जानते हैं कि उनके पास ऐसा कोई ज़्यादा अधिकार नहीं है, वो अलंकारिक है, केवल एक शोपीस की तरह है, लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ वो अगर वापस कर दे तो संसद के लिए बहुत बड़ी बात है कि राष्ट्रपति ने यह वापस कर दिया है, यह बहुत बड़ी बात हो जाती है। दूसरा यह है कि राष्ट्रपति के पास एक वीटो का अधिकार है, वीटो, इसे कहते हैं निषेधाधिकार, यानी मना करने का अधिकार। अब केवल अगर धन विधेयकों को छोड़ दिया जाए, जिसे हम मनी बिल कहते हैं, इनको छोड़कर जितने भी और विधेयक हैं, विधेयक यानी बिल्स होते हैं, कानून जो बनते आगे जाके, तो ये जैसे इनके पास आए, जैसे ये कोई एक बिल है और वो इनके पास साइन होने के लिए आया, तो हो सकता है ये कर सकते हैं कि कोविंद साहब या जो भी राष्ट्रपति उस समय हो वो इसकी स्वीकृति देने के लिए मना कर दे। संसद के द्वारा जितने भी विधेयक को कानून बनने से पूर्व किनके पास आना पड़ता है, कोई भी विधेयक ऐसा नहीं है कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने साइन कर दिया या संसद में पारित हो गया, नहीं, वो आएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, वो उस पर साइन करेंगे, अपने हस्ताक्षर करेंगे और उसके बाद वो कानून बनेगा। तो जैसे मैंने बताया राष्ट्रपति उसको लौटा सकते हैं, फिर उसके बाद क्या होगा कि अगर संसद नहीं मानती है वो दोबारा राष्ट्रपति के पास भेज देगी। लेकिन एक पॉइंट है कि राष्ट्रपति के पास, जैसे मान लीजिए ये कानून है, विधेयक है, ये राष्ट्रपति साहब के पास आया, उन्होंने वापस कर दिया, फिर दोबारा आ गया, इनको बाध्य होना पड़ेगा, लेकिन इनके पास एक वीटो का अधिकार है कि वो इस बिल को अपने पास रख सकते हैं जिसकी कोई भी सीमा नहीं है,
कोई भी समय सीमा नहीं है, कभी भी लंबित रख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। अब जब कानून, जब तक इनसे साइन नहीं होगा तब तक वो कानून नहीं बनेगा, और इन्होंने इसको अपने पास रख रखा है, इसे मतलब अपने जेब में रख रखा है, इस पर साइन नहीं कर रहे हैं और कुछ बोल भी नहीं रहे। इसी को हम पॉकेट वीटो कहते हैं, जेब में रखना, पॉकेट में रखना, इसी को हम पॉकेट वीटो कहते हैं। एक और ऐसी चीज है जिसमें विशेषाधिकार है हमारे प्रेसिडेंट के पास, उसे हम कहते हैं राजनीतिक परिस्थितियों द्वारा जो जनित होता है, पैदा होता है। अब राष्ट्र ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है, ऐसे कई बार हुआ है, यह हुआ कि चुनाव हुआ, अब चुनाव में पार्टी एक है, पार्टी दो है, पार्टी थ्री है, किसी को भी, इनके नेता है, इनके नेता है, इनके नेता, किसी को भी बहुमत नहीं मिला, किसी को भी बहुमत नहीं मिला, यानी मेजॉरिटी किसी को भी नहीं मिली, नहीं मिली। अब ये तीनों नेता जो है वो पहुंच गए और इन्होंने कहा कि हमारे पास बहुमत है, हमारे पास बहुमत है, हमारे पास बहुमत है। अब ये तीनों नेताओं को राष्ट्रपति किस तरीके से देखेंगे? राष्ट्रपति के पास एक अपने विवेक, अपना दिमाग, अपनी सोच, इसके साथ एक वो विशेषाधिकार है कि राष्ट्रपति साहब को लगता है कि ये जो दूसरे नंबर का है, ये अपना बहुमत संसद के पटल पर ये साबित कर सकता है, इसके पास बहुमत होने की क्षमता है, कौन सरकार बना सकता है, कौन सरकार चला सकता है। हो सकता है कि P3 जो है वो ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा हो लोगों को, लेकिन क्योंकि राष्ट्रपति के पास विशेष अधिकार है, वो इस पहले P2 पार्टी 2 के जो नेता है उसको बुलाएगा, और वो जानते हैं बैकग्राउंड में, क्योंकि इतनी राजनीति उन्होंने देख रखी है, कि ये जो साहब हैं ये एक तो सरकार भी चला सकते हैं, लोगों को साथ लेके भी चल सकते हैं, समर्थन भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये विशेषाधिकार इनके पास तीसरा हो गया। हुआ ये कि 1989 से लेकर 1998 तकरीबन 8-9 साल तक ऐसा कई बार हुआ, कई बार संसदीय चुनाव हुए और उसके बाद एक दल या फिर कोएलिशन की सरकार बनी, बनाने की कोशिश की गई, यानी कि किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो क्या किया जाए? राष्ट्रपति साहब ने ऐसे साहब को बुलाया जिनको लगा, इनको लगा कि हाँ ये है जिसको एक तो जनता का भी समर्थन प्राप्त हो रहा दिख रहा है, और जो वाकई में जो मेजॉरिटी है, या फिर ये कहें कि जितने भी लोकसभा सांसद हैं और बाकी जो लोग हैं उनको अपने साथ लेके चल सकता है और एक स्टेबल सरकार दे सकता है। एक सवाल जो शुरुआत में हमने आपके सामने पेश किया था वो ये है कि राष्ट्रपति की आवश्यकता क्यों है? अब ये तीन एग्जांपल तो आपने देखी, तीन चीज़ों कितनी जरूरी जरूरत हो गई है इनकी, अगर ये ना हो तो कौन डिसाइड करेगा कि किसको बुलाएं, किसकी सरकार बनेगी? तो ये तो हमने देख लिया, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति की आवश्यकता इसलिए है कि आपके घर में, आपके घर में मान लीजिए आपके जो पिताजी है वो सबसे, क्योंकि वो कमा भी रहे हैं, यंग भी है और वो घर को चला रहे हैं, लेकिन आपके जो दादाजी होते हैं ना, चाहे वो कोई काम ना कर रहे हो, लेकिन फिर भी जो दादाजी है, अंतिम आपके पास कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी होगी, आप अपने दादाजी के पास जाएंगे, अपने नाना जी के पास जाएंगे। यही बात राष्ट्रपति के ऊपर लागू होती है कि जो संसदीय व्यवस्था है, जो हमारी पार्लियामेंट्री जो व्यवस्था है, इसमें मंत्रिपरिषद विधायिका में बहुमत के समर्थन पर निर्भर होती है। अगर जो जो भी मंत्रिपरिषद, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना है, प्राइम मिनिस्टर बना है, अगर उनके पास बहुमत है तब तो बिल्कुल ठीक है। जैसे 2019 में 303 सीट बीजेपी ले गई, अब 2019 से 330 अगर 303 ले गई तो कोई शंका की बात नहीं है, क्योंकि जो मैजिक फिगर है 284 है, 543 सीट जो है जिसके लिए चुनाव हुए थे, अब 284 इनको से बहुत आगे 303 मिल गए, तो राष्ट्रपति जी को कुछ करना ही नहीं पड़ा। लेकिन मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है। उनके जैसे प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु हो गई, मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगा, या फिर ऐसी कोई स्थिति आ गई जिसमें जो सरकार है या फिर मंत्रिपरिषद को हटाना पड़ा। अब ऐसी स्थिति में कौन डिसाइड करेगा, कौन आदमी डिसाइड करेगा कि भाई कार्यकाल, जिसका कार्यकाल स्थायी हो, जिस वो कौन से प्रधानमंत्री को नियुक्त करे, किसका प्रतिनिधित्व सरकार को, देश को और समाज को स्वीकार होगा? ये काम आपके दादाजी करते हैं यहां पर, और यहां पर हमारे देश में कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में कौन होगा? आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बोल सकते हैं कि ये भी तो है, लेकिन जब आप जब एक पड़ोस के
दादाजी से अच्छा ये है कि इस सरकार का ही एक टॉप लीडर बनाया जाए, लीडर तो नहीं होते हो, एक ऐसा साहब जो बहुत ज़्यादा वेल रिस्पेक्टेड हो और उसके बाद जिनकी बात सब रिस्पेक्ट से सुने और उनको एक सांकेतिक तौर पर राष्ट्रपति बना दिया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति भी होते हैं या राज्यसभा के जो लीडर, एक तरीके से कहें कि स्पीकर, सब जो अध्यक्ष होते हैं वो ये होते हैं। अगर मान लीजिए कि जो राष्ट्रपति है उनका देहांत हो जाता है, राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया या उन पर इम्पीचमेंट हो गया, महाअभियोग उनके ऊपर दायर हो गया, तब जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आता है तब तक उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राष्ट्रपति की जगह लेते हैं, कार्यवाहक यानी कि राष्ट्रपति का वो कार्यभार देखते हैं जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुना जाता। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, फखरुद्दीन अली अहमद साहब थे, फखरुद्दीन अली अहमद साहब। अब हुआ ये कि ये इनका ये आप चित्र भी देख रहे हैं, ये साहब है। अब इनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद क्या हुआ कि जो बीडी जत्ती साहब थे, बीडी जत्ती, इन्होंने राष्ट्रपति का कार्यवाहक कार्यभार संभाला जब तक नए राष्ट्रपति नहीं आ गए। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा, इनका रिलेशन जो है वो राज्यसभा से होते हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है हमारे देश में, ऐसा नहीं है कि हर जगह प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट पोस्ट है, हमारे देश में है ऐसा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब रहे, उसके बाद आप सारी लिस्ट देख रहे हैं, और अब श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में जो प्रधानमंत्री है अपने देश की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है। हमारे देश में सबसे ऊपर अगर सबसे इंपॉर्टेंट आदमी माना जाए तो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो जैसे ही प्रधानमंत्री अगर बाय चांस किसी भी कारण से बहुमत या जो सब बहुमत नहीं है इनके पास या किसी तरीके से खो देता है, मान लीजिए तीन पार्टियां हैं जो प्रधानमंत्री को सपोर्ट कर रही हैं, एक पार्टी पीछे हट गई तो इनका समर्थन मतलब इनके पास मेजॉरिटी नहीं रहेगी तो वो अपना पद खो देंगे। औपचारिक रूप से जिस नेता को लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है, यानी ऐसा नेता जैसे ये बीजेपी के हैं, बीजेपी के कौन साहब है, नरेंद्र मोदी साहब। अब बीजेपी के मतलब ओवरऑल नरेंद्र मोदी जी को पहले से 2014 के पहले ही इनको प्रेजेंट किया गया कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे। तो अब जब चुनाव हो गया 2014 का, 2019 का, तो उसमें बीजेपी की भारी बहुत बढ़िया तरीके से जीत हुई, भारी मतों से जीत हुई। तो ये जो लोकसभा में जितने भी लोग चुन के आए उसमें मैक्सिमम बीजेपी के थे और उनके नेता थे नरेंद्र मोदी जी, इसीलिए वो मतलब ऑब्वियसली ऑब्वियस तरीके से वो प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन फाइनल किसने किया उनको, राष्ट्रपति ने उन्हें नियुक्त कर दिया। सारे लोग जानते थे कि यही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन राष्ट्रपति उन्हें, जिसे कहेंगे कि एक तरीका होता है, एक ये कहेंगे एक जरिया होता है, राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करते हैं। तो प्रधानमंत्री ये तय करता है, जैसे प्रधानमंत्री बन गया, चुनाव हो गया, प्रधानमंत्री आ गए, अब ये चुनेंगे कि हमारे मिनिस्टर कौन से होंगे, संचार मंत्री कौन होगा, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन कौन देखेगा, या फिर या कहें हेल्थ मिनिस्टर कौन होगा। तो ये पद की नियुक्ति कौन करता है, मंत्रालयों को, मिनिस्ट्री को कौन बांटता है, प्रधानमंत्री करते हैं। तो वो देखते हैं कि कौन से साहब सबसे सीनियर है, उनको वो वाली मंत्री बनाते हैं, राजनीतिक महत्व कितना है उस बंदे का, तो उसी हिसाब से उनको वो मंत्री बनाते हैं, उनको वो राज्य मंत्री बनाते हैं, उनको वो उपमंत्री बनाते हैं। इस तरीके से वो अलग अलग मंत्रालयों को आवंटन करते हैं और अलग अलग लेवल के मंत्री बनाते हैं। इसी तरीके से राज्य जो मुख्यमंत्री है, राज्यों के मुख्यमंत्री भी वही काम करते हैं। ये सेम काम जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, वही अगर एक राज्य की बात करें तो वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है वो किसका नेता होगा, जो विधायक, जितने विधायक या एमएलए चुन के आए हैं, उनके जितने भी एमएलए चुन के आए उनमें जो मेजॉरिटी एमएलए जिनको सपोर्ट करते हैं वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। अब चीफ मिनिस्टर अपने मिनिस्ट्री डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट बात है कि प्रधानमंत्री और जितने भी मंत्री है, प्रधानमंत्री खुद भी और जितने भी इन्होंने मंत्री बनाए, ये ऐसा नहीं कि संसद के सदस्य ना हो, ये अगर इन्होंने बना दिया है या खुद भी बन गए हैं तो ये संसद के सदस्य होना जरूरी है। संसद के अगर सदस्य नहीं है, पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है, तो मंत्री या प्रधानमंत्री आप बन तो सकते हैं लेकिन 6 महीने के अंदर आपको निर्वाचित होना पड़ता है पार्लियामेंट में, चाहे आप राज्यसभा में क्यों ना आ जाए। तो इसीलिए अगर आपको मिनिस्टर बना दिया गया है या प्राइम मिनिस्टर है और वो बन गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो किसी न किसी लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर होने चाहिए।
अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर उनको होना चाहिए, अदरवाइज उनका मंत्रिपरिषद चला जाएगा। तो मंत्रिपरिषद का आकार देखिए, अब एक साहब देखिए, ये इनको ये प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक दल को कहा, एक पार्टी वन को कहा कि ऐसा है अगर आप ना, मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा तो अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके सारे मेंबर को ना वो बना दूंगा, मिनिस्टर बना दूंगा। ऐसे इन्होंने पीटू से भी वादा कर दिया। तो होगा क्या, मान लीजिए 500 लोग या ये कहें 300 लोग इलेक्ट हो गया है, 550 करीब हमारे पास सीट्स है, 543 वैसे, तो ये 300 लोग इलेक्ट हो गया है, इन्होंने क्या किया 100 लोगों को मिनिस्टर बना दिया, क्या ये सही है? 300 लोग जो ये इनको सपोर्ट कर रहे हैं उसमें से 100 को मिनिस्टर बना दिया। तो संविधान में बाकायदा संशोधन किया गया कि अगर ऐसी कोई व्यवस्था आएगी तो मंत्रिपरिषद, ऐसा ना हो कि ये सबको लुभाने के लिए सभी को मंत्रिपरिषद का मंत्री बना दे, अपने मंत्रिपरिषद में रख ले। तो इन्होंने कहा कि जितने भी मंत्रिपरिषदों की संख्या जो है वो लोकसभा या राज्यों में जो विधानसभा होती है उसकी कुल सदस्य संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं होगी। मतलब अगर 500 का एग्जाम्पल मैं ले लूँ, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 500 सीट्स है तो उसका 15% निकाल दीजिए, जो भी वैल्यू आएगी उससे ज़्यादा मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रख सकते। तो कार्यपालिका सतत रूप से विधायिका को नियंत्रण में और देखरेख में रखती है। कार्यपालिका जो है मतलब ये विधायिका जो है वो कार्यपालिका को, जो भी लोग इलेक्ट होके आते हैं वो लोग इन कार्यपालिका के मेंबर को अपने देखरेख में रखते हैं, नियंत्रण में रखते हैं। मंत्रिपरिषद संसद की एक कार्यकारी समिति है जिसे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं, और वो संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से शासन करती है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जिसे हम कैबिनेट भी कहते हैं, जो भी सरकार बनती है वो किस वक्त कैबिनेट बनाती है, ये कैबिनेट, और वही लोग मिलके सरकार चलाते हैं। यदि मान लीजिए कोई भी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, यानी कि ये आदमी जो है ये सही नहीं है, इसने गलत काम किया है, इसके लिए एक अविश्वास प्रस्ताव संसद में आएगा, और अगर इस पारित हो जाता है तो पूरे के पूरे कैबिनेट को, पूरे के पूरे जो कहें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या करना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल की नीति या निर्णय से असहमत है, सहमत नहीं है, जैसे कैबिनेट है पूरा, इसमें इतने लोग हैं, इन साहब को नहीं पसंद है, तो ये क्या करेंगे, या तो इनको मानना पड़ेगा या इनको बाहर जाना पड़ेगा, इनको त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बताया, प्रधानमंत्री सबसे सर्वोपरि है हमारे देश में, प्रधानमंत्री सबसे टॉप पे है। अगर इनकी प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई, इफ ही डाइज, या इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, रिजाइन, तो क्या होगा, पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो भंग हो जाती है। और या फिर जबकि अगर कोई मिनिस्टर मरता है, अगर कोई मिनिस्टर है, ये मिनिस्टर है, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है, केवल मिनिस्टर है, और अगर इनकी मृत्यु होती है तो क्या होगा, केवल एक सीट खाली होती है, बस इतना ही होता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर अगर चले जाते हैं, वो अगर रिज़ाइन कर देते हैं, तो पूरी की पूरी जिसे कहेंगे लोकसभा या फिर विधानसभा भंग हो जाएगी। तो जैसे मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण कि क्या क्या प्रधानमंत्री की शक्तियाँ हो सकती है, एक प्राइम मिनिस्टर के बाद बहुत बड़ी शक्तियाँ होती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि वो मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखेंगे, लोकसभा का वो नेतृत्व कर रहे हैं, और जो अधिकारी जमात है, जो सिविल सर्वेंट्स वगैरह है, उन पर उनका कंट्रोल होता है। इसी तरीके से मीडिया तक वो जाते हैं, मीडिया को हमारा चौथा, फोर्थ पिलर कहा जाता है डेमोक्रेसी का, उस तक पहुंच, वो मीडिया में समय समय पर आते हैं, बात करते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं वो रेडियो पर भी आते हैं। लोग इसी तरीके से चुनाव के दौरान वो अपने व्यक्तित्व को और उभारने की कोशिश करते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ दिखाते हैं जिससे लोग आकर्षित हो, और ख़ास तौर पे जब फॉरेन अफेयर्स की बात आती है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में, विदेश यात्राओं में, वो अपने एक ऐसे नेता की छवि प्रेजेंट करते हैं कि मैं इंटरनेशनल नेता हूं। तो 1989 में हमने भारत में बहुत सारी गठबंधन सरकार देखी थी, ऐसी कई सरकारें चली जो पूरी तरीके से कंप्लीट भी नहीं कर पाई अपने 5 साल। तो बहुमत समाप्त अगर हो जाए या फिर जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं वो पीछे हट जाएं, तो उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा और वो या तो फिर हटा दी गई, राष्ट्रपति द्वारा हटा दी गई। तो ये जो घटनाएं हैं इनसे प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों की भूमिका बढ़ जाती है। जब कोई सरकार नहीं चल पा रही है या फिर बहुमत उनका गिर गया तो कौन साहब आएंगे, तब हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का काम शुरू होता है। और इसी तरीके से कि जब गठबंधन राजनीति हो गई, अब क्या है कि आज हम 2014-2019 में तो हमने देखा कि चलिए एक पार्टी पूरी तरीके से अच्छे से आ गई, लेकिन बाकी का क्या, इससे पहले क्या होता था कि तीन चार पार्टी एक साथ मिलकर सरकार बना रही है, तो यहां पर क्या होता है कि बहुत चांसेस है कि ये पीछे हट जाए या इनके साथ कोई इनका डिफरेंस हो जाए। तो यहां पर एक जो प्राइम मिनिस्टर बनता है वो इन सब से
एक तरीके से कोऑर्डिनेटेड रहेगा, बात करेगा, चीत करेगा इन सब की। जैसे अगर अभी एक एग्जांपल लूं मैं 2020 की बात कर रहा हूं, जो महाराष्ट्र है इसमें किसकी सरकार है, इसमें शिवसेना भी है, इसमें आपका एनसीपी भी है और इसमें कांग्रेस भी है। ये सब अलग अलग विचारधारा वाले लोग हैं, लेकिन जो उद्धव ठाकरे जी जो सीएम बने उनकी भी बात सुनेंगे, इनकी बात भी सुनेंगे, सुनना पड़ेगा क्योंकि सरकार का सपोर्ट इनके द्वारा है, राइट। और तीसरी बात इसमें आती है कि प्रधानमंत्री जो अपने विशेषाधिकार है उनसे मंत्रियों का चयन करते हैं, उनके जो पद है या मंत्रालय है उन पे भी अंकुश लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो किसी को भी कभी भी इलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे गठबंधन के लोग हैं, वो भी चाहेंगे कि हमारे लोगों को आप लीजिए। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को कभी अकेले तय नहीं कर सकते। अब जैसे अभी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके पास ज़बरदस्त सपोर्ट है, तो ये जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, क्योंकि कोई और इनके साथ अलायंस वाला नहीं। अलायंस है इनका, एक एनडीए अलायंस है, लेकिन वो लोग इतना नहीं जीत पाए जिससे बीजेपी, क्योंकि मेन पार्टी बन के उभरी। लेकिन अगर ये बीजेपी को मान लीजिए 200 सीट मिलती या 150 सीट मिलती तो बाकी लोगों का सपोर्ट देना पड़ता और बाकी लोगों को प्रधानमंत्री जी सबको साथ लेके चलते। तो राज्य में एक राज्यपाल होता है, जो स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, राज्य में एक राज्यपाल होता है जिसको केंद्रीय सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के ही सलाह पर राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की तरह ही मुख्यमंत्री ही वो विधानसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, पर राज्यपाल के पास कोई ज़्यादा ऐसी ज़्यादा शक्तियाँ नहीं होती है, मतलब विवेक वाली शक्तियाँ नहीं होती है। लेकिन जब राज्य में भी इसी तरीके से दिक्कत आती है कि राज्य में अगर बहुमत किसी पार्टी को नहीं मिला, जैसे अगेन फिर मैं एग्जांपल देता हूं, इन तीनों को पार्टी को नहीं मिला और सारे क्लेम कर रहे हैं कि मैं सरकार बनाऊंगा, तो जो गवर्नर साहब होंगे वो डिसीजन लेंगे कि कौन सी पार्टी को मुझे बुलाना है उनको, और कौन वो इनसे मत पत्र मांगेंगे, दिखाइए आप लिस्ट, दिखाइए अपने MLAs की, तो यहां पर इनका काम शुरू हो जाएगा। अब हम बात करेंगे स्थायी कार्यपालिका की, लेकिन ये चर्चा हम करेंगे अगली बार, जिसे हम नौकरशाही कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।